Hello, good morning, student of class 8. Myself Saurav Srivastava started going to teach you civics. Next part, we will start today from liberty. Liberty, the citizen of India have been given the liberty to express their opinion freely, to follow their own beliefs and to choose their own professions. Liberty ka matlab hota hai swatantrata. Hamare India ke citizen ko, our Indian citizen have free to express their opinion and follow own beliefs and also choose their professions, not any pressure. The people of India choose their professions. So liberty means मतलब होता है स्वतंत्रता, मतलब हम किसी भी चीज के लिए यहाँ पे क्या आजाद हैं, स्वतंत्र हैं. हम किसी भी चीज को कह सकते हैं, किसी भी चीज को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं. इसके लिए हमें कोई भी रोक नहीं सकता. नाउ कम टू द पॉइंट, इक्वालिटी. इन इंडिया ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर द लॉ. नेम बनने के बाद इंडिया के सारे सिटीजन क्या है, इक्वल है. ना तो कोई बड़ा है, ना तो कोई छोटा है. बिसाइड्स, इसके अलावा एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज इलीगल. किसी भी तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव. अगर किसी भी तरह का एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैव फाउंड, देन इट्स कॉल्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ. और नियम के अनुसार उसको पनिश किया जाएगा जो भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा. दस फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड द रिच एंड द पुअर, मेन एंड वुमेन आर ऑल इंटाइटल टू इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी. इसीलिए किसी भी सोसाइटी के किसी भी तरह के लोग हों, मैन हो, वुमेन हो, रिच हो, पुअर हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी. फेटर्निटी, फेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स पीपल. भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट कल्चर. हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग तरह के कल्चर, ट्रेडिशन है, अलग अलग तरह के लैंग्वेज है. टू इंश्योर दैट दे कैन ऑल लिव इन द हारमोनी एज वन नेशन, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी लोग एक ही देश के अंदर रहते हैं. इट इज इम्पोर्टेंट टू डेवलप द सेंस ऑफ ब्रदरहुड एमंग देम. इसीलिए इन सब लोगों के अंदर हमें ब्रदरहुड की भावना को जगाना होगा. सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स फैटर्निटी. इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, फैटर्निटी को प्रमोट करता है. टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. इसलिए भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए, इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, बनाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया जाता है. वी प्रमोट फ्रेटर्निटी फॉर द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्स टू रिमूव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड ऑल अदर प्रैक्टिसेस दैट थ्रेटन द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड गिव राइट इट फीलिंग एमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ऐसी सारी चीजें हमारे संविधान के द्वारा ऐसी सारी चीजों को हटा दिया गया जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन बढ़े. ऑल द पॉइंट्स विच डिफाइन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, संविधान इन चीजों को नहीं मानता. सो एमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो अलग अलग सोसाइटी से ही क्यों ना आते हो. नाउ अगेन वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेम्बल. प्रेम्बल की क्या इम्पोर्टेंस है. प्रेम्बल को हमने यहाँ पे देखा था, ये जो येल्लो बॉक्स हमने देखा था ये प्रेम्बल है. तो प्रेम्बल के बारे में डिटेल अब हम यहाँ से पढ़ेंगे. द प्रेम्बल रिफ्लेक्ट द विजन एंड द एम्स ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेम्बल यानी प्रेम्बल को हम प्रस्तावना कहते हैं. द प्रेम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गॉट इट. Preamble is called the father of Indian Constitution. Okay, even though it can not be enforced by law, it is an important document. ये एक बहुत important document है because it states the goals before the nation and thus guides the policy maker. ये क्या करता है कि नेशन को बिल्डअप करने में हेल्प करता है और साथ में पॉलिसी मेकर्स को यानी कि जो नियम बनाते हैं हमारे एमपीज, उन्हें भी हमेशा इन चीजों को ध्यान में रखने की बात करता है. ऑल लॉज ऑफ द कंट्री मस्ट अपहोल्ड द बेसिक वैल्यूज स्टेटेड इन द प्रेम्बल. सभी चीजें देश के लिए जो जरूरी हैं प्रेम्बल में लिखी गई हैं. अ लॉ दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवॉइड. ऐसे सारे नियम जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है उसे रखा और कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है उसे बाहर किया गया. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है, जो फ्रेटर्निटी
लिबर्टी, इक्वालिटी और रिपब्लिक, जस्टिस की बात करता है, उन सभी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट इज फेडरल फीचर। फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स इंडिया इंक्लूडिंग ऑल इट्स स्टेट्स इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया में ऐसे सारे स्टेट्स इज गवर्न्ड बाय द वन सेंट्रल गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मोदी सरकार को हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। एंड द यूनियन गवर्नमेंट इज मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और साथ में यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी में जितने भी गवर्नमेंट होते हैं उसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और ये सारे जितने भी फैसले लेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनल इंपॉर्टेंस, और ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट इज कॉल्ड नेशनल इंपॉर्टेंस। हाउएवर, शायद एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्पेशल नीड्स, हर एक स्टेट की अपनी अपनी जरूरत हो सकती है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस नीड्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें जरूरी नहीं है कि सभी चीजों का वो ध्यान रख सके। सो वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एज वेल, इसीलिए हमारे देश में स्टेट लेवल के, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट भी है, झारखंड गवर्नमेंट भी है, बिहार गवर्नमेंट भी है, तो इन सब गवर्नमेंट को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे। तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है। द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स इज टू मेक एंड गिव इफेक्ट टू लॉज द मीट द स्पेशल नीड्स ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि वे अपने स्पेशल नीड्स को पूरा कर सके। सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल्स स्टेट हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स बट आर कंट्रोल्ड बाई अ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की अपनी भी कुछ पॉलिसी होंगी लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को मना नहीं कर सकता। अगर नेशनल इंपॉर्टेंस में कोई पॉलिसी स्टेट में लागू करनी हो तो उसे लागू करना ही होगा, और इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है, लेकिन अगर किसी भी तरह के रूल्स जो नेशनल लेवल पर बनाने की जरूरत होती है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट अगर उसे बनाती है तो उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। जैसे कि CAA, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि पावर्स जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग, यानी कि द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह के सब्जेक्ट लिस्टेड हैं। पहला यूनियन लिस्ट, तो पहला यूनियन लिस्ट ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स द लॉज। यूनियन लिस्ट ऐसे लिस्ट कहलाते हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स रेगुलेशंस बना सकती है। सेकंड इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ। ऑन स्टेट लिस्ट ओनली स्टेट गवर्नमेंट मेक्स द लॉ, यानी कि स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। एंड द कॉन्क्रेंट लिस्ट, कॉन्क्रेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची, ठीक है। तो कॉन्क्रेंट लिस्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बनाएगी और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बनाएगी, लेकिन अगर किसी भी तरह का विवाद होता है तब, किसी भी तरह का अगर कोई दिक्कत आती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को ही फाइनल रूल माना जाएगा। Tomorrow we will discuss about three organs of government. So thank you for today. We, you all, note, make a note about today's class, mention the point liberty, equality, fraternity, importance of the preamble, federal structure, make a note at least one page and send it on a particular day of SST. So thank you so much for today. Thank you so much, student.